Press the bell icon of the Epaathshaala channel and never miss another update. So guys, now we are back with this chapter, and chapter name is Politics of Development. आपने प्लान डेवलपमेंट के बारे में पहले भी पढ़ा था और ये दोस्तों वीडियो का तीसरा पार्ट है. और गाइज, आई होप आपने वीडियो के दो पार्ट देखे होंगे. एंड इन दिस पार्ट हमें ये समझने को मिलेगा कि किस तरीके से जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने 1947 की आज़ादी के बाद जब प्लान कमीशन बनाया तो 1950 के बाद उन्होंने फोकस करा कि किस तरीके से हमें एग्रीकल्चर पर फोकस करना है, जो पहली पंचवर्षीय योजना में था. और दोबारा से फिर हमें किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करना है, जो सेकंड फाइव ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज के ऊपर था. सो गाइज, अब इस वीडियो के तीसरे पार्ट के अंदर हमें समझने को ये मिलेगा कि किस तरीके से लोगों ने ये कंपेयर करने की कोशिश करी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ठीक था, यानी कि इंडस्ट्रीज का बढ़ाना ठीक था, या एग्रीकल्चर का बढ़ाना ठीक था. वो हमारे बहुत से लोगों ने इसके ऊपर अपने व्यूज़ रखने की कोशिश करी है. फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर हम की कॉन्ट्रोवर्सी देखें, यानी कि प्रमुख विवाद देखें, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज चल रहा था, यानी कि कृषि बनाम उद्योग. कहने का मतलब यही है कि कृषि इम्पॉर्टेंट थी, जो पहली पंचवर्षीय योजना की प्रायोरिटी में से एक था, और दूसरा इंडस्ट्रीज थी, जो सेकेंड फाइव ईयर प्लान में से एक था. तो बहुत से ऐसे समर्थक हैं जिन्होंने ये कोशिश करी है बताने की कि अगर फाइव ईयर प्लान 1951 में एग्रीकल्चर पे बनाया गया था, तो कुछ ऐसे सपोर्टर्स हैं जिनमें से जेपी कुरियप्पा आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं. हालांकि उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट करा हुआ है, वो एक इकोनॉमिस्ट हैं, वो इंग्लैंड एंड अमेरिका के अंदर टीचर भी रह चुके हैं, बट पूरी तरीके से महात्मा गांधी की थिंकिंग को फॉलो करने वाले व्यक्तियों में से एक थे. दोस्तों, इन्होंने उस टाइम पीरियड पर योजना आयोग, जो प्लानिंग कमीशन बनाया गया था 1951 के टाइम पीरियड पर, जे पी कुरियप्पा जो है दोस्तों उस टाइम पीरियड पर इस मैनेजमेंट का एक हिस्सा थे. और उन्होंने ये कहा कि जो मतलब उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि ये जो आपने एग्रीकल्चर के ऊपर पूरी तरीके से फोकस करने की कोशिश करी है, उसने कहीं ना कहीं रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करी है. कहने का मतलब ये कि अगर आपने एग्रीकल्चर फाइव ईयर प्लान के अंदर पहली पंचवर्षीय योजना को इम्पॉर्टेंट दिया है, तो इससे गांव में रहने वाले लोगों के साथ और साथ में एग्रीकल्चर यानी कि कृषि व्यवस्था में कहीं ना कहीं सुधार आया है. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर 75% से भी ज़्यादा उस टाइम पीरियड पे लोग कृषि का काम करते थे, जो प्राथमिक क्रियाओं का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा था. और दोस्तों, इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एज देयर सोर्स ऑफ इनकम. क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर ये देखा गया था कि ज़्यादातर जो किसान थे वो अपने आय का हिस्सा जो है वो ज़्यादातर कृषि से ही निकालने की कोशिश करते थे. इसीलिए नेग्लेशन टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर में अफेक्ट द लीव ऑफ मैनी. अगर हम फर्स्ट फाइव ईयर प्लान को एग्रीकल्चर के ऊपर ना फोकस करते हुए दूसरी और चीज़ों के ऊपर फोकस करते, तो मे बी शायद से उस लापरवाही की वजह से आप देख सकते हैं कि अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो उसकी वजह से जो लोग उसके ऊपर जीवन यापन कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से उस पर निर्भर हैं, उनके जीवन पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट होगा ही होगा. तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट था. अब यहाँ पर स्टेबल अगर एग्रीकल्चर सेक्टर रहेगा, यानी कि भारत के अंदर अगर स्टेबल एग्रीकल्चर रहेगा और सही समय पर मानसून आएगा, फसलों की पैदावार अच्छी होगी, तो कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सकता है. फूड सिक्योरिटी मतलब खाद्य सुरक्षा को सही तरीके से बनाए रख सकते हैं हम लोग. क्योंकि आपको पता है कि अगर ये चीज़ नहीं होती है हमारे भारत के अंदर, तो कहीं ना कहीं हम गरीबी की रेखा से और भी ज़्यादा नीचे जा सकते थे. तो ये सपोर्ट थे जिन्होंने ये कहा कि एग्रीकल्चर को नज़रअंदाज करना देश की लापरवाही में से एक हो सकता था, और एग्रीकल्चर को अगर सपोर्ट किया गया है तो उससे किसान और किसान से संबंधित जितने भी लोग थे, चाहे वो फसलों पर निर्भर होने वाले लोग हों, फसलों को खाने वाले हों या फसलों को बेचने वाले हों, वो सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते, प्रभावित होते. इसलिए जेपी कुरियप्पा और चौधरी चरण सिंह जी ने ऐसे चीज़ों पे फोकस करा, जो सबसे अच्छा था. लेकिन कुछ लोगों ने ये भी माना कि इंडस्ट्री का ग्रोथ होना, यानी कि औद्योगीकरण भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था.
अगर आप उद्योगीकरण नहीं करेंगे, दैट मीन्स अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस नहीं करेंगे, तो हमारी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और आप ये देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है पूरी तरीके से रूरल पॉवर्टी जो है उसको जनरेट करने की कोशिश करता है। दैट मीन्स अगर आप इंडस्ट्रीज लेके आएंगे तो जो बेचारे हाथ से काम करने वाले लोग हैं, एग्रीकल्चर से काम करने वाले लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा और कहीं ना कहीं नुकसान होगा ही होगा। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन दोस्तों कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, लोगों को जॉब क्रिएट करता है। और अगर इंडस्ट्री होगी तो हम फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं, दैट मीन्स बाहर का व्यापार हमारी कंट्री में आएगा। बाहर का व्यापार अगर हमारी कंट्री में आएगा तो हमें कहीं ना कहीं उससे फ़ायदा ही होगा। और दूसरा, हम मॉडर्नाइज कर सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को। अगर इंडस्ट्री रहेगी तो कहीं ना कहीं हम एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज कर पाएंगे। कहने का मतलब ये कि एग्रीकल्चर के अंदर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो नए नए इक्विपमेंट होते हैं वो बाहर देश से टेक्नोलॉजी के माध्यम से मंगाए जा सकते हैं। सो दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट। और बहुत से लोगों ने एग्रीकल्चर को ठीक कहा और बहुत से लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को ठीक कहा, लेकिन अगर आज की जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि उस टाइम पीरियड पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ठीक नहीं था, लेकिन आज की डेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को जॉब क्रिएट होगी, नई टेक्नोलॉजी मिलेगी लोगों को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कृषि की व्यवस्था को, व्यवस्थाओं के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर जाके भी हम नई नई टेक्नोलॉजी को ईजाद कर सकते हैं, जिससे हम अच्छे से अच्छा और ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो ले सकते हैं एक ही ज़मीन से, है ना। अब यहाँ पे आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं जब देश आज़ाद था 1950 के बाद, जब हमने प्लानिंग कमीशन बनाया, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही थी कि चीज़ों को पब्लिक सेक्टर के हाथों में रखें या प्राइवेट सेक्टर के हाथों में रखें। कहने का मतलब ये है कि सार्वजनिक होगी तो सरकार के हाथ में होगा और सभी उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, और निजी क्षेत्रों में होगा तो किसी एक के हाथ में होगा और वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता है। तो सरकार के सामने सबसे बड़ी दिक्कतें यही आ रही थी कि चीज़ों को, यानी कि कंपनियों को या सरकार जो है सारे कामकाज अगर नहीं कर पा रही लोगों के वेलफेयर के लिए, तो क्या प्राइवेट कंपनियों को इन काम को, काम के लिए आगे आना पड़ेगा, या क्या सरकार को जिम्मेदारी देनी चाहिए प्राइवेट कंपनीज़ को? तो वो थोड़ा सा डाउटफुल में था, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उस समय पे, अगर आपको याद हो तो हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से सोशलिस्ट थी, जिसे आप समाजवादी बोलते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था थी जिसमें सरकार मोस्टली हर चीज़ों पे कमांड बना के रखने की कोशिश करती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सरकार पब्लिक सेक्टर को बढ़ाने की ज़्यादा कोशिश करेगी और प्राइवेट सेक्टर को कम। तो इसलिए आप देखेंगे 1980 के दशक तक जाके भी सही तरीके से प्राइवेट सेक्टर हमारे भारत देश में नहीं थे। तो इसका एक तरीका निकाला गया कि पब्लिक सेक्टर के अंदर लोगों ने ये कहा कि अगर आपको प्राइवेट सेक्टर बढ़ाना है, दैट मीन्स अगर कंट्री के अंदर प्राइवेट सेक्टर बढ़ाना है, जैसे आज हमारे देश के अंदर जियो है ना, जियो एक प्राइवेट सेक्टर है पूरी तरीके से। उसके बाद टाटा ने कितने सारे प्रोडक्ट निकाले हुए हैं, वो सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर के अंडर में आते हैं, है ना। तो इसी हिसाब से लोगों ने ये कहा कि प्राइवेट सेक्टर इंडिया के अंदर इनफ स्पेस नहीं गेन कर पाता और ना ही उसे सपोर्ट करने को सरकार आगे आती है। क्यों? क्योंकि उसको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, उसको परमिट की ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ को हैंडल करने के लिए सरकार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्राइवेट कंपनीज़ को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करती है। मैं जीता जाता एग्जाम्पल कहीं और लेके नहीं जा रहा, मैं जीता जाता एग्जाम्पल आपको पबजी से लेके बताता हूँ। पबजी बहुत टाइम से ये सुनने में आ रहा था कि वो बैन हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो प्राइवेसी चीज़ें हैं वो बाहर की कंट्री में जा रही है, नेटवर्क जो है वो बाहर की कंपनी के यूज़ हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, निजीकरण होने की वजह से, प्राइवेट सेक्टर बढ़ने की वजह से पबजी को दोबारा से इंडिया में लाया जा रहा है, और इंडिया के ही टावर्स, सेक्टर्स और जो डेटा स्टोर किया जा रहा है वो सब इंडिया के अंदर ही किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लाइसेंस, परमिट की ज़रूरत थी सरकार से, इसीलिए आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से पब्लिक कंट्रोल, सॉरी प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर पूरी तरीके से सरकार का इंटरफेरेंस रहता है, क्योंकि वो लाइसेंस अथॉरिटी के लिए और परमिट के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन चीज़ों को मानते हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोगों ने पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट करने की कोशिश करी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर होगा तो फॉरेन इंपोर्ट नहीं होगा, है ना, जो कहीं ना कहीं अच्छा भी और बुरा भी है।
मल्टीनेशनल कंपनीज जो है अगर भारत के अंदर काम करने के लिए आती है तो उन्हें कॉम्पिटिट करना पड़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर पब्लिक सेक्टर ज़्यादा ग्रो हो रहा है और बाहर की कंपनियां भारत के अंदर नहीं आ पा रही है, मान लेते हैं MTNL MTNL एक ऐसी टेलीफोन कम्युनिकेशन क्या कहते हैं नेटवर्किंग थी जो पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं हमें ये दिखाने की कोशिश करती थी कि आपको टेलीकॉम की व्यवस्था कैसी मिलेगी। तो MTNL को जब तक कंपटीशन नहीं समझ में आया, जब तक बाहर की कंपनियां भारत के अंदर नहीं आई, जैसे एयरटेल जियो है ना, सॉरी एयरटेल आ गया, आइडिया आ गया, वोडाफोन आ गया दोस्तों, जब ये कंपनियां भारत के अंदर आई तो इन लोगों को समझ में आने लग गया कि हमें अपनी खुद की इंडियन कंपनीज के अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्यों? जब पता चला कि उनकी सर्विस किस हिसाब से होती है और हमारी सर्विस किस हिसाब से होती है। तो पब्लिक सेक्टर के सपोर्ट में तो लोग ये थे कि इससे बाहर की चीज़ें नहीं आएंगी, जो अच्छा भी है, लेकिन अगर बाहर की चीज़ें भारत देश में नहीं आएंगी तो हमें खुद के अपने कंपटीशन का पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि इससे नुकसान हमें ही होगा। नुकसान ये होगा कि सार्वजनिक क्षेत्रों के अंदर आप देखेंगे इनएफिशिएंसी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं करप्शन बढ़ेगा सार्वजनिक क्षेत्रों के अंदर अगर बाहर की कंपनियां हमारे देश में नहीं आएगी। इससे आप ये देखेंगे कि स्टेट जो है पूरी तरीके से लापरवाह हो जाएगा, वो पब्लिक एजुकेशन और हेल्थ केयर पे फोकस नहीं करेगा, है ना, और वो हमेशा क्या कहते हैं प्रॉफिटेबल सेक्टर बन के रहेगा पब्लिक सेक्टर, जो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। तो जो चीज़ें सरकारी हाथों में होती है उसको कहीं ना कहीं हमें प्राइवेट के हाथों में देके उसके बेटरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो कंपटीशन प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद ही बन पाता है देश के अंदर। तो अगर मेजर आउटकम्स देखें तो पहली पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद ये मुश्किल हो गया था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना को किस तरीके से रिसाइज करना चाहिए या किस तरीके से ये रियलाइज़ करा जाएगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना किस चीज़ पर होगी। पहली पंचवर्षीय योजना के बाद हमने लैंड रिफॉर्म करा बट वो इफ़ेक्टिव नहीं था। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर पावर लैंड ओनिंग क्लासेस के हाथ में आ गई थी, जिनके पास बड़ी ज़मीनें थी वही इसका इस्तेमाल कर पाते थे और बिजनेस क्लास जो थे वो ज़्यादातर क्या कहते हैं सेकंड फाइव ईयर प्लान के बाद अपने आप को मैं कह सकता हूँ बेनिफिशरी, दैट मीन्स बेनिफिट उनको ज़्यादा मिल पाया, है ना, और पॉवर्टी पूरी तरीके से कम नहीं हुई, वो एकदम से कम नहीं होगी पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। दोस्तों समय के साथ साथ हमें आर्थिक विकास की नींव को बहुत ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। अगर हम आर्थिक विकास की नींव को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें हैवी इंडस्ट्रीज़ खोलनी पड़ेगी जिससे जॉब क्रिएट होगी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर। हमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट का और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ का, इससे हम बाहर के देशों से अच्छी तरीके से जुड़ पाएंगे जो हम 1980-90 के दशक तक भी नहीं जुड़ पा रहे थे। हमें कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा मेगा डैम्स का जिससे बिजली मिलेगी, रोड्स बनेंगे, है ना, कंस्ट्रक्शन वर्क होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं आने वाले समय पर फोकस करना चाहिए जिससे हम प्लान डेवलप्ड के हिसाब से अपने देश को आज़ाद कर पाएंगे या मैं बोल सकता हूँ उस लेवल तक लेके जा सकते हैं जिस लेवल तक हमने ले जाने की सोची होगी। तो ये वीडियो का तीसरा पार्ट था और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये तो पता ही है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो इस चैप्टर के नोट्स आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। और अभी के लिए इतना ही है इस वीडियो के अंदर एंड लेट्स मीट इन द फोर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज इट इन दिस वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।